254 रन बनाने के बाद विराट ने कहा कि दोहरा शतक बनाने के मूड में नहीं था, लेकिन इस खिलाड़ी नमस्कार। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पुणे में दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है, जिसके दूसरे दिन भारतीय कप्तान विराट कोहली ने दोहरा शतक जड़कर एक नया इतिहास रच दिया है। विराट कोहली ने इस पारी में 336 गेंदों में 254 रनों की नवाद पारी खेली, जिसमें 33 चौके और 2 छक्के शामिल थे। ये टेस्ट में विराट का 7वां दोहरा शतक है। इस तरह विराट ने टेस्ट में अपने सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर भी बना लिया है। इससे पहले भारत ने अपने कुल के स्कोर 273 रन से आगे खेलना शुरू किया और भारत को रहाणे के रूप में आज का पहला झटका लगा। रहाणे ने 59 रन की अर्धशतकीय पारी खेली। एक छोर से कप्तान विराट कोहली अपनी पारी को आगे बढ़ाते रहे और उनका भरपूर साथ दिया। ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने विराट कोहली तूफानी पारी खेलते दोहरा शतक जड़ दिए और इन्होंने 336 बॉल में 254 रन बनाए हैं, जिसमें 33 चौके और 2 छक्के लगाए हैं। अजिंक्य रहाणे 168 बॉल में 69 रन बनाए हैं, जिसमें 8 चौके लगाए हैं। रविंद्र जडेजा तूफानी पारी खेलते हुए अर्धशतक जड़ दिए हैं। उन्होंने 104 बॉल में 91 रन बनाए हैं, जिसमें 8 चौके और 2 छक्के लगाए हैं। दूसरे दिन का खेल समाप्त होने के बाद भारतीय कप्तान विराट कोहली ने कहा कि मैं 500 के बाद ही पारी घोषित करना चाहता था। उस समय मैंने 200 रन नहीं बनाए थे, लेकिन टी टाइम के बाद रहाणे ने कहा कि नहीं, हमें 600 तक बनाने चाहिए। उन्होंने कहा कि आप दोहरा शतक लगाओ ताकि हम 600 के पार पहुंच सके, इसी वजह से हमने 600 का आंकड़ा तय किया।